नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कई बदलाव किए हैं, जो 20 जुलाई 2020 से लागू हो गया है। नए अधिनियम के अनुसार गुमराह करने वाले विज्ञापन दिखाने वालों पर सजा का प्रावधान रखा गया है। नए एक्ट में जिला फोरम का नाम बदलकर जिला आयोग कर दिया गया है। जहां 20 लाख तक के मामलों की सुनवाई होती थी, वहां अब 1 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई हो सकेगी। इसके साथ ही राज्य आयोग 10 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है। अगर कोई मामला 10 करोड़ से ज्यादा का है तो उसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग को दी गई है। नए कानून में पहली बार टेली शॉपिंग और ऑनलाइन कंपनियों को शामिल किया गया है। नए नियमों में उपभोक्ता अपनी किसी भी लोकेशन से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर तक जाने की जरूरत नहीं होगी। जनहित याचिका PIL अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि अभी उपभोक्ता सिर्फ ऑनलाइन याचिका दायर कर सकते हैं, वर्चुअल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि वर्चुअल सुनवाई को लेकर भी जल्द ही कोई फैसला आ सकता है। और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया। एक मिनट हमारे साथ।